हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी एड एंडेंस एग्जाम के हिंदी के प्रैक्टिस सेट की तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सॉरी कल भी मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाई थी और आज की साढ़े सात बजे वाली जो क्लास थी वो भी हम नहीं कर पाए थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है पहचान का तत्सम शब्द है प्रत्यय विज्ञान प्रज्ञान अभिधान या फिर अवधान फ्रेंड्स पहचान का अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हो प्रत्यय विज्ञान ठीक है फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चन में पहले करा चुकी हूँ जैसा कि हम बात करें कि प्रैक्टिस सेट है यानी कि हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे उन्ही क्वेश्चन की जिससे कि आपको पता हो कि आपने पहले जो सॉल्व किए थे उनको अब आप किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं सही से कर पाते हैं या नहीं ठीक है फर्स्ट सेकंड है प्रभुत्व का तद्भव शब्द है तो फ्रेंड्स ऑप्शंस uh, है पहचान पहुंच गुरुत्ता या फिर गुरुत्व तो फ्रेंड्स पर अगर हम प्रभुत्व की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा राइट right आंसर होगा पहुंच नेक्स्ट है है शब्द का तत्सम बहन ऑप्शनपति बहन भगनीपति या फिर इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भगनीपति ठीक है नेक्स्ट आते हैं प्रक्षिक शब्द का तद्भव रूप है ऑप्शंस हैं बिच्छू षड़पद बर्र या फिर भ्रमर तो फ्रेंड्स अगर हम वृश्चिक शब्द के तद्भव रूप की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए बिच्छू ठीक है नेक्स्ट आते हैं आई होप फ्रेंड्स इसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आओ निम्न में से कौन सा सही नहीं है अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता अव्यय अविकारी होते हैं सभी अव्य क्रिया विशेषण नहीं होते या क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता नेक्स्ट है वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है इस वाक्य में कौन सा अवयव है संकेतवाचक कारणवाचक परिमाणवाचक या फिर समुच्चे बोधक तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी राइट है कारणवाचक नेक्स्ट आते हैं निम्नाकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है वह कपड़े साफ धोता है वह धीरे धीरे पड़ता है आम मीठा है या फिर समोसे ताजे बन रहे हैं तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आम मीठा इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है जबकि कपड़े साफ धोता है धीरे धीरे पड़ता है और समोसे ताजे बन रहे हैं ताजे यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रहा है ठीक है नेक्स्ट आते हैं जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं कारक काल अव्यय या फिर क्रिया विशेषण तो फ्रेंड्स पर इसका राइट आंसर होगा बी ठीक है है नेक्स्ट में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है वह मन से पढ़ता है वह चुपचाप से चला गया तब की बात कुछ और थी या फिर यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है तो फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट right आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है वह चुपचाप से चला गया अगर फ्रेंड्स इसकी जगह होता है वह चुपचाप चला गया तो वो हमारा शुद्ध वाक्य होता है जबकि यहाँ पे हमें अशुद्ध पूछा गया है तो यहाँ पे से नहीं आएगा ठीक है इसलिए ऑप्शन भी हमारा राइट right आंसर है वह चुपचाप चला गया ये होना चाहिए था जबकि यहाँ पे दे रखा है वह चुपचाप से चला गया ठीक है इसलिए ये अशुद्ध हो गया नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुए है राम जाता है सीता भोजन पकाती है उसने रोते रोते कहा या फिर वह जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट है रोते रोते कहा वह जाएगा इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है नेक्स्ट है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है आप मेरी मदद करेंगे ना मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है वह ना सोता है ना खाता है या फिर वह धीरे धीरे चला जा रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी राइट होगा मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है नेक्स्ट है संस्कार का संधि विच्छेद है संस प्लस कार सम प्लस कार संग प्लस कार या फिर सह प्लस कार तो फ्रेंड्स संस्कार के संधि विच्छेद पे अगर हमें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा हमारा सम प्लस कार तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है उत उत उद या फिर उद तो फ्रेंड्स उद्गम की यहाँ पे बायर बात करें तो ऑप्शन भी राइट होगा उत नेक्स्ट है संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है सम 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 या फिर संस तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा सी सम इसमें हलंत लगा होगा नेक्स्ट है सौ की गिनती को कहते हैं अब आपको बताना है सौ की गिनती को क्या कहा जाता है शतक सती शताब्दी या फिर प्रतिशत तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें सौ की गिनती को तो इसको कहा जाता है शतक तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर ने अपने इस मैच में शतक लगाया है यानी कि सौ रन बनाए हैं ठीक है नेक्स्ट है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है वज्र बटुक ब्रह्मचारी अंतेवासी या फिर गुरुकुल तो फ्रेंड्स जो गुरु के समीप रहते हैं उनको कहा जाता है अंतेवासी तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है जिसका परित्याग किया जा सके जो दान में दिया गया हो जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो या फिर जिसका परित्याग आवश्यक हो तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे परित्यक्त की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जिसे बोलते हैं जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया उसे बोलते हैं परित्यक्त नेक्स्ट है रेस्ट्रो किस भाषा का शब्द है यहाँ पे हमारा ऑप्शन ओके किस भाषा का शब्द है जापानी फ्रांसीसी जर्मनी या रूसी तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ये फ्रांसीसी शब्द है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है परिरक्षण निरूपण स्वशासन या फिर बृहत्तर तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा डी बृहत्तर नेक्स्ट है लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है आ सा पसा, या फिर इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सा तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अपने में डिस्कस करेंगे आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ मैं आपको फिर से बता दूँ और भी वीडियोज़ में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमने इम्पॉर्टेंट जो थे टॉपिक उससे रिलेटेड ट्वेंटी डे सीरीज निकाली थी जिसमें हमने ट्वेंटी वीडियोस बनाई थी ठीक है तो आप, आप एक बार उनको फिर से रिवीजन कर लीजिए क्योंकि उसमें हमने वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं जो कि आपके एग्जाम में एम से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो अगर आप ए, एक बार उनको क्लियर कर लेंगे तो आपके एम जो भी आप एग्ज़ाम में करेंगे या फिर प्रैक्टिस करते हैं उसमें से बहुत सारे एम सी क्यूज वहाँ से आपके फर्स जाएंगे क्योंकि हमने ट्वेंटी डे सीरीज़ का मेन मोटिव ही यही था कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उनको कवर करें तो उसके अंदर हमने सभी तरह के टॉपिक कवर किए हैं कंटेंट कवर किए हैं और कई बार हमने क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस किए हैं जो कि हंड्रेड बार बार रिपीट होते हैं ठीक है थीके? तो एक बार ट्वेंटी डे दे सीरीज देख लीजिएगा अगर अभी तक और भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो एक बार स्टार्टिंग से भी प्रैक्टिस सेट देख लीजिए क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिस सेट जो है वो हमने प्रीवियस ईयर के लिए है एक ऑफ बात फ्रेंड्स एक या दो ज्यादा नहीं मुश्किल से एक या दो लोगों का कमेंट थे कि प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं मिलते लेकिन आप जो वीडियो दे रहे हैं हमें वो आप कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले के जो एग्जाम होते थे मींस कुछ सालों पहले जो एग्जाम होते थे वहाँ पर आपको कॉपी मिलती थी ठीक है तो वहाँ पर आपके पास एक फॉर्मेट होता था कि ये ये क्वेश्चन पूछे गए लेकिन अब वो कॉपी नहीं दी जाती है इसलिए अब का हमें नहीं पता लेकिन टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन टवेल्व इलेवन इन सबके क्वेश्चन हमें पता हैं तो मैं वही आपको रिपीट करा रही थी प्रैक्टिस के लिए और इसके अलावा फिर भी हमें कुछ और क्वेश्चन पता चल जाते हैं जैसे कि आप जैसे ही फ्रेंड्स होते हैं जैसे कि मैं आपसे भी कहूँगी जब आप अपना पेपर देकर आएँ तो प्लीज़ कम्युनिटी टैब में या जहाँ भी आपको लगे आप मुझे उन क्वेश्चंस को बता दीजिएगा जिससे कि हम एक तरह से आंसर की के फॉर्म में उनको डिस्कस कर सकें या फिर जो आपसे आने वाले आपके फ्रेंड्स होंगे छोटे जूनियर होंगे उनके लिए हेल्प हो सके क्योंकि 2019 में भी इसी तरह से जब 15 अप्रैल को एग्जाम हुआ था तो वहाँ आपके जो सीनियर थे यानी कि जो कर चुके हैं उन लोगों ने हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बताए थे ठीक है जो कि मैं यहाँ पर आपको ट्वेंटी डे सीरीज में या फिर और भी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ जैसे कि एक क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है और 2019 के पेपर में भी पूछा गया था कि सत्य में अवजय कहाँ से लिया गया है ठीक है ये क्वेश्चन आया था तो इस तरह के क्वेश्चन हैं आप कुछ आप लोग बताते हैं कुछ हम अदर टीचर्स uh, uh, जो होते हैं उनसे पूछते हैं तो इस तरह से पता चल जाता है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है तो एक बार आप ट्वेंटी डे सीरीज़ देख लीजिए सारे प्रैक्टिस सेट कर uh, देख लीजिए प्रैक्टिस कर लीजिए और आप भी जो प्रैक्टिस करते हैं uh, उसके थ्रू भी आपको भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स का के शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी वी अच्छी वीडियोस के साथ तब तक के लिए बाय बाय